जैनियानी की से जो भूखे पेट रहकर दिन भर टूटे छप्पर या पेड़ की जड़ के सहारे चाय के एक प्याले से किसी के माथे की थकन मिटाते हैं। बहुत फर्क है कि चाय वाला उनसे जो देर गए रात को अपने घर लौटते हैं चंद सिक्के समेटे उन गुंडों की गालियों के साथ जो रोज जबरदस्ती चाय पीते हैं और बदले में धमकियां देते हैं। बहुत फर्क है ये चाय वाला उससे जो गली के नुक्कड़ पर बूढ़ा हो गया चाय पिलाते पिलाते जिसकी बार बार औरती हुई चाय ने पिछले 68 सालों में हिंदुस्तानियन के जायके को ढाला है। बहुत फर्क है ये चाय वाला रामदीन मैकर या ज्ञानी की से ये चाय वाला तो इंसानियत सभ्यता जमहूरियत अमन शांति एकता का ईंधन बनाकर भट्टी सुलगाता है। ये नौजवानों से नौकरियां किसानों से जमीनें औरतों से इज्जत छीनता है संविधान के पन्ने जलाता है राजनीति की भट्टी पर इंसानों के लहू की चाय बनाता है। बहुत फर्क है ये चाय वाला इसके चाय खाने पर बैठने वाले गुंडे और पुलिस में कोई फर्क नहीं दोनों ही पैर छूते हैं इसके। बहुत फर्क है ये चाय वाला ये हर राहगीर को तरक्की के नाम पर फांसीवाद का रास्ता बना बताता है। बहुत फर्क है ये चाय वाला रामदीन मैकर या ज्ञानी जी से जिसकी चाय से उठने वाली भाप शायरी की जान है। मुझे डर है कहीं नज्म की खेतियां सूख न जाए क्योंकि बहुत फर्क है ये चाय वाला रामदीन मैकर या ज्ञानी जी से। जरा सोचो कितनी भयानक होगी इससे चाय की सींची हुई कविताएं। दोस्तों हमारे मुल्क में इस वक्त बुद्धिजीवियों के बीच में लगातार एक बहस चल रही है क्या ये देश फांसीवाद की तरफ जा रहा है। क्या हम इस वक्त उस डगर पे खड़े हैं जहां शायद अगले आने वाले कुछ सालों में इस देश को हम फांसीवादी के अंदर शुरू करते हैं। मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ मैं थिंकर भी नहीं हूँ एक एक्टिविस्ट हूँ जमीन पे काम करती हूँ। अगर हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो फांसीवादी ताकतें एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जिसमें हर इंसान एक पुर्जा बन जाए एक ऐसा पुर्जा जिसको इस्तेमाल किया जा सके और जो इस्तेमाल होने को तैयार ना हो जो उस नफरत की भट्टी में जलने को तैयार ना हो ईंधन की तरह उसको खत्म कर दिया जाए। पिछले 2 साल से हम लगातार देख रहे हैं एक एक करके किस तरह से अलग अलग चीजों के ऊपर हमला हो रहा है। सबसे बड़ा हमला है हमारी सोच में उस ताकत पे जो हमको सवाल करना सिखाती है। देश के जितने बड़े इंस्टीट्यूशन है जितने बड़े संस्थान है चाहे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे एक संस्थागत तरीके से रोहित वेमुला की हत्या हुई चाहे वो JNU हो FTII हो या इस तरह की और बहुत सारी संस्थाएं हो IIT चेन्नई हो जहाँ पे अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के ऊपर हमने किए गए लोगों का अपनी बात करने से रोका गया। इसी तरह से लगातार जो फांसीवाद का तरीका होता है कि एक दुश्मन को खड़ा करके उसको सारी जो बुराइयां है समाज की उसका जिम्मेदार फांसीवादी समाज उसको बनाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि वो दुश्मन मुसलमान की शक्ल में भी है अखलाक के बारे में बात की गीता ने भी बात की और राम ने भी बात की कि किस तरह एक ऐसा व्यक्ति जिसको घर से निकाल के लिंच करके जिसको मार दिया गया आज देश में बहस ये है कि उसने गाय खाई थी या नहीं बहस ये नहीं है कि उसको मारा गया और हथियारों को उसको जेल भेजा गया। एक एक करके चाहे वो माइनॉरिटीज हो चाहे वो दलित हो दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे गुजरात की हिंसा जिसपे 4 दलितों को पकड़ के और बुरी तरह पीटा जा रहा है। उससे पहले ऐसी ही वीडियोज आई है झारखंड से आई है जहाँ पे मार के पेट से लटका दिया गया। तो कोई भी ऐसी जगह न बचने पाए कोई भी ऐसी स्थिति न बनने पाए जिसमें लोग अपनी कोई सोच रख सकते हो या लोग कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्थान कोई भी कम्युनिटी जो सत्ता है उसके और सत्ता के
हमको